डीईई आसाम रिक्रुटमेंट 2024 का देखिए 35133 जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकती है, एलपी एंड आफआर दोनों को अप्लाई कर सकती है, असिस्टेंट टीचर एंड साइंस टीचर पोस्ट के लिए। और लास्ट डेट है यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे लास्ट डेट, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए लिंक आपको मिलेगा assamcareer.com, या वेबसाइट आपको विजिट करना है। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म मिलता है यहाँ पे लिंक मिलता है, क्लिक हियर, और जो एडवर्टाइजमेंट जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे कहाँ पे कितना पोस्ट है यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको पहले आपको क्लिक हियर, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको जो नया जो है तो आपको लिए यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जो कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे हाउ टू द अप्लाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। पहले आपको जो अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू रजिस्टर में आपको पहले क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जो अप्लाई करने के लिए रजिस्टर ऑनलाइन जो है, पहले आपको रजिस्टर ऑनलाइन में आपको क्लिक करना है। रजिस्टर कंप्लीट होने के बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करना होगा। तो पहले आपको रजिस्टर में ऑनलाइन में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस टू अप्लाई में आपको क्लिक करना है। तो ऐसे फॉर्म जो है आपको फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे आपको जो पोस्ट जो कैटेगरी है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको कौन सा जो पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे लॉयर प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, आप दोनों को एक अप्लाई कर सकती है। देखिए लॉयर प्राइमरी मैंने सेलेक्ट किया है, जो आसाम टेट है, आपको जो भी सर्टिफिकेट है आप अप्लाई कर सकती है। आसाम टेट है तो आसाम टेट का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, यहाँ पे जो आसाम टेट चॉइस करना है। यहाँ पे जो नेम है आपको फिलअप करके हम फटाफट आपको दिखाएंगे, फिर आपको ऐसे इंटरफेस मिलेगा। देखिए यहाँ पे लॉयर प्राइमरी मैंने अप्लाई किया हूँ, यहाँ पे जीमेल हो और यहाँ पे पासवर्ड है, फिर आपको ये राइट साइड जो है लॉगिन में आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको 60 मिनट अंदर से आपको कंप्लीट करना है, तो आपको यहाँ पे फटाफट आपको फिलअप कर लेना है। यहाँ पे देखिए जो फिलअप है आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। देखिए क्या क्या लगना है यहाँ पे, देखिए सब इन टोटल डिटेल्स है, तो आपको यहाँ पे देख के आपको फिलअप कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे टिक मार लग के आपको सबमिट कर देना है।